ये डला सेकंड और ये डला थर्ड, और अभी देखते हैं इसको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाके उसको फॉलो कर लीजिएगा। सो गाइस, आज की वीडियो वो रहने वाली है बाइक की चेन स्प्रोकेट के ऊपर, और चेन स्प्रोकेट में इसके जो नंबर ऑफ टीथ है, मतलब टीथ इसके बढ़ाने या फिर कम करने से क्या बेनिफिट होता है और क्या नुकसान होता है, उसके ऊपर रहने वाली है। तो गाइस, एक्चुअली बाइक की जो टॉप स्पीड है और उसकी जो पावर है वो डिपेंड करती है काफ़ी चीज़ों पर, जैसे कि बाइक का जो इंजन है वो कितने सीसी का है, कितनी पावर प्रोड्यूस करता है, और टेक्नोलॉजी उसमें जो है कौन सी करिए कंपनी ने, और एक जो उसमें जो कारण रहता है वो नंबर ऑफ टीथ का भी रहता है। तो नंबर ऑफ टीथ का मैं आपको जो है सिंपल सा रूल बता देता हूं। मान लो ये दो स्प्रोकेट है, ये आगे वाली है, ये पीछे वाली है, दोनों के अगर दो दो टीथ मान के चलते हैं तो अगर एक सर्कल ये कंप्लीट करती है आगे वाली, तो पीछे वाली को भी जो है एक ही सर्कल कंप्लीट होगा। मान लो अगर ये आगे वाली जो चेन स्प्रोकेट है, इसके नंबर ऑफ टीथ अगर चार कर दूं मैं, इसको बढ़ा दूं और पीछे वाली के दो रहने दूं, तो एक सर्कल ये कंप्लीट करेगी आगे वाली, और पीछे वाली जो है दो सर्कल कंप्लीट कर लेगी, और आपका जो व्हील है दो बार रोटेट होगा उससे। तो गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे आपकी बाइक की जो टॉप स्पीड है ऐसे ही बढ़ जाएगी, चाहे आपकी 100 सीसी की बाइक हो या फिर जिसकी पावर कम है वो बाइक की भी जो टॉप स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो अगर चार टीथ में आगे वाली स्प्रोकेट के बढ़ा देता हूँ, मतलब थोड़े बढ़ा देता हूँ आगे वाली स्प्रोकेट के, तो उसको घुमाने के लिए जो जो पावर लगेगी बाइक का, उसका इंजन जो है उतना ही जो पावर प्रोड्यूस करना भी चाहिए। तो ये कंपनी जो होती है काफ़ी R&D करती है ऐसी चीज़ों पे कि बाइक की जो टॉप स्पीड है वो किस हिसाब से उसको अरेंज करना है, और उसकी जो पावर है उसको किस हिसाब से अरेंज करना है। तो ऐसा नहीं है कि सिंपल आप स्प्रोकेट के जो टीथ है उसको बढ़ा दो और बाइक की टॉप स्पीड आपकी जो हायाबुसा जितनी हो जाएगी अगर आपका स्प्लेंडर भी है तो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी इसको जो हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है हमारी बाइक में। सो गाइस, जो छोटी वाली चेन स्प्रोकेट है, ये जो स्प्लेंडर के जो ओरिजिनल जो चेन सेट है उसकी है, और इसके 14 टीथ है, और जो मेरे हाथ में जो राइट में है वो जो है इसके 16 टीथ है। तो दो टीथ एक्चुअली इसके जो है ज़्यादा है, तो इसको भी डाल के देखते हैं इसके क्या अभी इसको लगाना चाहिए और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो गाइस, पुरानी वाली जो स्प्रोकेट है ये 14 टीथ वाली है, और जो मेरे हाथ में ये 16 टीथ वाली है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसका जो जो एरिया है वो भी इसका वो ज़्यादा कवर कर रहा है, और जो छोटी वाली चेन स्प्रोकेट जो है काफ़ी जो है एक आधा इंच जो है इससे छोटी है, मतलब अगर ये इसको मैं डालूंगा तो ये काफ़ी फैलेगी। एक्चुअली मेरे को अभी देखना पड़ेगा कि लगाना सेफ भी है या नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा रहती है इस पॉकेट, मतलब बड़ी रहती है, तो चैम्बर वगैरह फाड़ने का इसका जो चांस है वो ज़्यादा रहता है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको पहले खोल के देखता हूँ इसका कि क्या सीन है। तो अभी मैं इसको जो पहले लूज़ कर लेता हूँ चेन को, उसके बाद अभी इसको जो लगाता हूँ मैं। तो गाइस, चैन को अभी मैंने लूज़ कर लिया है। अब ये जो स्प्रोकेट है यहाँ पर आपको जो है 2-10 नंबर के नट दिखाई दे रहे होंगे, इनको खोलना पड़ेगा। तो एक टी गोटी की मदद से इसको मैं खोल लेता हूँ, और इन नट को खोलने के बाद आपको यहाँ पर एक लॉक मिलेगा। इसको थोड़ा सा घुमा के आपको ऐसे ये इसको निकाल लेना है, आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद अभी हम जो है इसको निकाल देते हैं छोटी स्प्रोकेट को, और इसकी जगह हम जो है बड़ी वाले स्प्रोकेट को कुछ इस टाइप से डालेंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पर अभी चेन बिल्कुल लूज़ है, फिर भी ये थोड़ा सा मतलब ये अभी चेन फुल टाइट कर दिया है इसने। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि चेन आपकी छोटी ना पड़ जाए। तो चलेगा, अभी मेरे केस में तो ये ठीक ठाक है। तो इसको मैं यहाँ पर लगा के इसका लॉक जैसे मैंने खोला था उसको वापस से ऐसे लगा के अभी इसके जो दोनों नट हैं इनको वापस से लगा देता हूँ मैं। सो गाइस, अभी मैंने बाइक को स्टार्ट किया है, और आप यहाँ पर देख सकते हो चेन का जो गैप है, मतलब साइडों से वो बिल्कुल एकदम मतलब ऊपर चेन कवर के साथ भी ये टकरा रही है ऐसे उछल उछल के, और नीचे में आप देख सकते हो यहाँ पर कितना गैप कम है। अगर इसका मैं कवर लगा दूंगा तो उम्मीद है कि ये कवर के साथ भी कभी अगर चेन लूज़ होती है तो टकरा सकती है। और कभी भी आपकी बाइक की ज़्यादा चेन लूज़ हो जाती है और ऐसे आगे वाली स्प्रोकेट में कुछ ऐसे होता है, तो आपका जो सबसे पहले जो है वो चैम्बर जो है वो फाड़ देती है। तो अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो स्प्रोकेट है इसकी ये काफ़ी बड़ी है। अगर यहाँ पर मैं साइज में आपको बताऊँ तो आप देख सकते हो कितना साइज बढ़ गया है इसका। फिलहाल मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा आप ऐसा लगाओ, ये सिर्फ मैं ऐसे ही टेस्ट करने के लिए लगा रहा हूँ, और अभी मैं इसकी जो है स्पीड को टेस्ट करूँगा कितनी है इसकी। सुबह सबसे पहले मेरे को जो फील हो रहा है इसका, अगर मैं स्लो में जा रहा हूँ तो इसकी जो मेरे को जो खींचने की पावर है वो कम लग रही है। एक्चुअली अगर मैं दूसरे गियर में जा रहा हूँ तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि फर्स्ट गियर में बाइक चल रही है, और तीसरे में जा रहा हूँ तो उसकी पावर जो है दूसरे गियर जितनी जो है मेरे को लग रही है। तो ये आपको फील होगा। और अगर आप जो है कहीं ऐसे ख़राब रास्ते में अगर कम स्पीड में जो बाइक को चलाते हैं, बिल्कुल थोड़ी स्पीड में अगर आप बाइक को चलाते हो, तो आपकी बाइक जो झटके लेके जो है बंद हो जाएगी।
तो ऐसा दिक्कत होगा अगर आप बाइक को जो है बड़ी वाली चेन स्प्रोकेट डालोगे। अब इसको जो है भगा के देखते हैं कि कितना स्पीड ये जो है टॉप स्पीड इसकी जो है आती है। अभी फर्स्ट डल गया, तो फर्स्ट है अभी ये, ये डला सेकंड और ये डला थर्ड, और अभी देखते हैं इसको। बस फोर्थ गियर डालने के बाद ही मेरे को ऐसा फील हुआ कि जैसे जो है बाइक जो एकदम से इसकी पावर में एकदम से ड्रॉप आया है और बाइक ने एकदम खींचना ही बंद कर दिया है। जैसे कि तीसरे गियर में अगर मैं था तो उसमें जितनी पावर थी, फोर्थ गियर में उतनी खींच नहीं रही थी बाइक। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी ये टॉप स्पीड है अभी ये, और अभी ये 90 तक भी नहीं टच कर रही, मतलब 89 ही रह रहा है, पूरा 90 तक भी नहीं जा रहा। और अगर आपके पास स्प्लेंडर है तो आपको पता होगा कि 90 तक तो स्प्लेंडर जो है आराम से चला जाता है अगर बाइक की कंडीशन अच्छी हो तो। सो गाइस अभी आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि ओनली टीथ बढ़ाने से कुछ नहीं होता। तो अगर टीथ बढ़ाने से कुछ होता तो कंपनी जो है पहले से आपको थोड़े टीथ बढ़ा के देती और आपकी बाइक की जो टॉप स्पीड है पहले से ही अच्छी देती। कंपनी ने जो R&D की होती है बाइक के ऊपर, उसका मेन मोटिव यही रहता है कि बाइक को कैसे ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए। तो जितना एफिशिएंट वो बना सकते हैं बाइक को, उन्होंने ऑलरेडी बना रखा होता है, और बाद में अगर आप ऐसा करते हो तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो लाइक भी करना, अपने दोस्तों से शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।